दोस्तों पोल्ट्री ट्यूब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सोनाली ब्रीड का पालन हमें क्यों करना चाहिए और सोनाली मुर्गी की क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि मुर्गी पालन से संबंधित जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सोनाली ब्रीड की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों इस ब्रीड की पहली विशेषता तो यह है कि आप इसका पालन अंडे और मांस दोनों पर्पज के लिए कर सकते हैं और दोनों ही पर्पज के लिए अगर आप इसका पालन करेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों इसकी दूसरी विशेषताओं की अगर बात करें तो ये बहुत ही मजबूत ब्रीड मानी जाती है और लगभग इसमें सभी गुण पाए जाते हैं जो कि देसी मुर्गियों के ब्रीड में पाई जाती है, जिसके कारण इसमें मोर्टैलिटी यानी कि मृत्यु दर बहुत ही कम होती है और बरसात सर्दी गर्मी में इसमें जल्दी बीमारी नहीं लगती, जिसकी वजह से इसमें मोर्टैलिटी रेट अन्य ब्रीडों की तुलना में बहुत ही कम होता है। दोस्तों इसकी तीसरी विशेषता की अगर बात करें तो इसकी तीसरी विशेषता यह है कि भारत के किसी भी हिस्से में अगर आप मुर्गी पालन करते हैं और अगर आप सोनाली ब्रीड का चुनाव करते हैं तो आपको इसका मार्केट हर जगह देखने को मिलेगा। भारत के लगभग सभी राज्यों में इसका पालन किया जा सकता है जहाँ पे कि मुर्गियाँ पाली जाती, तो अगर आप सोनाली मुर्गी का पालन करते हैं तो इसको बेचने में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। दोस्तों इसकी अगली विशेषता की अगर बात करें तो सोनाली ब्रीड के चूजे आपको पूरे भारत में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सामान्य तौर पे इसके चूजे कम से कम 18 रुपये और मैक्सिमम 40 रुपये तक देखने को मिलते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर सीज़न में हर महीने में इसके चूजे का दाम थोड़ा बहुत कम और ज़्यादा होता रहता है। दोस्तों सोनाली ब्रीड की अगली विशेषता की अगर बात करें तो आपकी जानकारी के लिए बता दें इस ब्रीड में अन्य ब्रीड की अपेक्षा बहुत ही कम बीमारियां देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से आपका मेडिसिन और वैक्सीनेशन पे खर्च बहुत ही कम हो जाता है। दोस्तों इसकी अगली विशेषता की अगर बात करें तो ये ब्रीड भी बिल्कुल देसी ब्रीड की तरह होती है। अगर आपके पास पूंजी की कमी है, अगर आपके पास जगह की कमी है तो बैकयार्ड में 100-200 की संख्या में आप इसका पालन कर सकते हैं, और अगर आपके पास इसको फीड खिलाने का बजट नहीं है तो आपके किचन में जो खाना बचता है, हरा चारा, हरी सब्जियों के अवशेष जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप इसे खिला के सोनाली मुर्गी पालन कर सकते हैं, और अगर 100-200 की संख्या में है तो आपको बिल्कुल भी फीड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ध्यान रहे कि शुरू के 20 से 25 दिनों तक आपको इसको प्री स्टार्टर खिलाना होगा। दोस्तों इसकी अगली विशेषता की अगर बात करें तो एक और जहां देसी मुर्गी को तैयार होने में 45 से 50 दिनों का समय लगता है, वहीं अगर आप सोनाली मुर्गी पालन करते हैं तो 85 से 90 दिनों के अंदर इनका वजन 1 केजी से लेके 1100 ग्राम तक आराम से हो जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप सोनाली मुर्गी का पालन अंडों के लिए करते हैं तो इसके अंडों का मार्केट में अच्छी खासी डिमांड होती है और सर्दियों के टाइम में तो इसके अंडों का दाम 9 रुपये से लेके 12 रुपये तक आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये थी सोनाली ब्रीड की प्रमुख विशेषताएँ, जिसकी वजह से अगर आप पहली बार मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं तो आपको सोनाली ब्रीड का ही चुनाव करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें सोनाली ब्रीड का चुनाव क्यों करना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आप मुर्गी पालन करते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो शुरू में हमें अनुभव और जानकारी का अभाव होता है, और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं आपको जानकारी का अभाव है तो आपको नुकसान होने की पूरी संभावना हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं तो आपको सोनाली ब्रीड का चुनाव ही करना चाहिए, क्योंकि एक तो यूपी के जितने ज़िले हैं या भारत के लगभग सभी राज्यों में आपको इसके चूजे आराम से मिल जाते हैं। इसके अलावा पोल्ट्री फार्मर जब नए होते हैं तो उनको ब्रूडिंग के बारे में या रखरखाव के बारे में थोड़ा नॉलेज कम होता है, तो ऐसे में अगर आप सोनाली ब्रीड का चुनाव करते हैं तो आपको ये फ़ायदा होगा कि ये बहुत ही मजबूत ब्रीड मानी जाती है, जिससे कि इसमें बहुत ज़्यादा मोर्टैलिटी नहीं होती, बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं होती। तो अगर आप पहली बार मुर्गी पालन करते हैं तो आपको लॉस नहीं होगा और एक या दो लॉट में आपको मुर्गी पालन का थोड़ा बहुत अनुभव हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा हमें सोनाली ब्रीड का चुनाव इसलिए भी करना चाहिए कि शुरू में जब हम मुर्गी पालन करते हैं तो हमारे खर्च जो होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमें सेट भी बनाना होता है, चूजे भी ऑर्डर करने होते हैं और सबसे ज़्यादा जो हमारा खर्च होता है फीड पे होता है। तो ऐसे में जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास पूंजी की कमी होती है वो पहली ही बार में टूट जाते हैं, तो ऐसे में अगर आप इस ब्रीड का चुनाव करते हैं तो आप 35 से 40% तक आप इनको फ्री रेंज का चारा खिला सकते हैं,
इससे कि आपका फीड में काफ़ी बचत हो जाएगा और लगभग 3 kg फीड खिला के ही आपके मुर्गे तैयार हो जाएंगे। तो जो किसान पहली बार मुर्गी पालन करना चाहते हैं उनके लिए सोनाली ब्रीड बहुत ही उपयोगी किस्म मानी जाती है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप पहली बार मुर्गी पालन करते हैं तो आपको इसके मार्केट के बारे में जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से आपको बिचौलियों के माध्यम से माल बेचना होता है। लेकिन अगर आप सोनाली मुर्गी पालन करते हैं और थोड़ा सा भी सोशल मीडिया में अपडेट करते हैं तो आपका माल आराम से बिक जाता है और मार्केट में जो रेट मिल रहा है उस हिसाब से आप सोनाली ब्रीड को बेच सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए भी अगर आप मुर्गी पालन के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सोनाली ब्रीड का ही चुनाव करना चाहिए। और बात करें कि कितने मुर्गियों से हमें इसकी शुरुआत करनी है, तो कम से कम अगर आपके पास ठीक ठाक बजट है तो आपको 1000 सोनाली मुर्गियों से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और अगर आप बैकयार्ड में इसको शुरू करके अनुभव लेना चाहते हैं तो 150 से 200 मुर्गियों से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी भरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।